तू जो कहे दे अगर तो मैं जीना छोड़ दो बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ तू जो कहे दे अगर तो मैं जीना छोड़ दो बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दो ना रहो ना जीओ कोई लम्हा तेरे बिन जिंदगी है थमी तुझ में ही कही तू दुआ है दुआ ख्वाइशो की दुआ तू दुआ है दुआ ख्वाइशो की दुआ जो कहे दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूँ बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूँ हेलो फ्रेंड्स दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय ओवीआरपी तो आइए सीडीपी के तहत एक और बढ़िया चैप्टर भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे पहले हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज डेवलपमेंट तो ध्यान दीजिएगा सिंपली अगर हम कहें तो लैंग्वेज जो होती है भाषा जो होती है या भाषा वह क्या होती है तो हमारे अंदर की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक तरीका होता है यानी आपके अंदर जो फीलिंग्स है जो आप फील करते हैं आप उसी को व्यक्त करते हैं जिस माध्यम से वही कलाता आपका भाषा भाषा क्या होता है तो भाषा हमारे जीवन में एक टूल्स का काम करता है एक यंत्र का काम करता है जिसके माध्यम से हम अपनी सुख दुख या अपने अंदर हो रही घटनाओं को हम शब्दों के माध्यम से वाक्यों के माध्यम से भाषा के माध्यम से हम उसे बाहर निकालते हैं और गौर कीजिएगा भाषा तो दुनिया में क्यों है जैसे हिंदी है इंग्लिश है संस्कृत है तो उसी प्रकार से भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे भाषा के माध्यम से ही अपने आसपास के लोगों से जुड़ते हैं अपने आसपास के लोगों से संवाद करते हैं और भाषा के माध्यम से ही हम ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं यानी कह सकते हैं कि भाषा जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान आदान प्रदान का मतलब क्या होता है हम कुछ बताते हैं तो सामने वाले भी तो हमें कुछ उसका रिप्लाई देते हैं आदान प्रदान करते हैं और दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं यानी दूसरे को फीलिंग्स दूसरे की अनुभूति दूसरे के जीवन में हो रही घटनाओं की जो समझने का काम करते हैं वह किसके माध्यम से हम करते हैं भाषा के माध्यम से यानी कहता है कि यही भाषा है जो हमारे इस दुनिया में ईश्वर का एक रूप बना देता है और यही भाषा है जो हमें एक दानव का रूप प्रस्तुत करा देता है और भाषा जनरली है क्या संवाद का माध्यम अच्छा गौर कीजिए भाषा जो होते हैं तो सिंपल सी बात है कि जब भाषा होता होगा तो उसमें क्या होते होंगे एक लिपि होता होगा एक लिखावट होती होगी एक, एक स्क्रिप्ट होता होगा और वह में जो सबसे छोटा होता होगा वह होता होगा अक्षर या वर्ण और आप उसी अक्षर या वर्ण को जब मिलाते हैं तो उससे निर्माण होता है किसका शब्द का और उसी शब्द को मिलाने से लेकिन उसका अर्थपूर्ण मिलन हो तो उससे हम वाक्य का निर्माण करते हैं और यही वाक्य से हम पैराग्राफ का निर्माण करते पैसेज बनाते कंप्रिहेंशन बनाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों का जरूरत होती है अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि हम जो भाषा बोलते हैं या हम जो अपने अंदर की भावना को अंदर के अभिव्यक्ति को जो व्यक्त करते हैं, वो कितने माध्यम से करते हैं तो जनरली हम भाषा को जो अभिव्यक्त करते हैं तीन तरीकों से करते हैं वह कौन कौन होता है तो सबसे पहला एक होता है जिसे हम कहते हैं मौखिक संवाद मौखिक संवाद क्या होता है मौखिक संवाद जो कि हम अपने वाणी के द्वारा भाषा के माध्यम से ही क्या करते हैं अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते जिसमें लिखित लिखना जरूरी नहीं होता है दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं लिखित संवाद लिखित संवाद में क्या होता है कि हम लिख कर किसी को अपनी अंदर के अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं और तीसरा होता है सांकेतिक संवाद सांकेतिक संवाद यानी हम सिंबल के रूप में किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करते जैसे अगर हमको कहना हो कि यह जोता लंबत है तो लंबवत के लिए यह सिम्बॉल का यूज़ करते हैं कहते हैं कि बराबर है तो इस सिंबल का प्रयोग करते हैं बड़ा छोटा के लिए इस तरीके का यूज करते हैं अगर हमको कहता कि आगे जाने मन आगे जाना मना है स्टॉप है तो आप इस तरीके का प्रयोग करते हैं नहीं तो इस तरीके से सीधा आगे बढ़े दाएं से लेफ्ट ले, लेफ्ट से आ, क्या करें मोर ले तो इस तरीके का साइन का भी प्रयोग होता है तो ये सांकेतिक होता है यानी कह सकते हैं कि हम जो संवाद करते हैं तो संवाद का कितने तरीके होते हैं तो तीन तरीके हैं या तो आप बोलकर करते हैं या लिखकर करते हैं या क्या करते हैं संकेत के रूप में आप अभिव्यक्त करते हैं स्किल्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें स्किल्स माने होता है कौशल कौशल का मतलब क्या होता है जब आप किसी नए प्रकार के ज्ञान को 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 सीखते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है यानी किसी भी चीज अर्जित करना सीखना ही क्या कहलाता है या अपने अंदर एक नए गुण को समाहित करना कहलाता है उसका कौशल तो भाषा कौशल जो होते हैं जो आपका भाषा क्या है आपने देखा है ना कि भाषा एक संवाद का माध्यम होता है और तीन तरीके से हम लोग व्यक्त करते हैं या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या सांकेतिक रूप से अब गौर कीजिए जब भाषा विकास की प्रारंभ तो होता है बच्चे के जन्म के बाद जब बच्चे माँ के घर में नौ महीना दस दिन दो सौ अस्सी दिन या चालीस सप्ताह रहते हैं और तो उस समय तो बच्चे के भाषा संबंधी विकास नहीं होता क्योंकि भाषा की क्षमता जरूर बच्चे में जन्मजात होती है नहीं नवम चम्स की क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर जन्मजात की जिन प्याजी कहते हैं कौन कहते हैं? हैं कौन कहते हैं कि आपके लेड पाया जाता है नोम चम्सकी कहते हैं तो नोम चम्सकी कहते हैं कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की और वह किस माध्यम से होती है तो लेड के माध्यम से होती है यानी उसमें एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अधिग्रहण क्षमता पाई जाती है और जब बच्चे वातावरण में आते हैं तो क्या करते हैं उसके बाद जिस वातावरण में बच्चे रहते हैं जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं जिस प्रकार की भाषा का वातावरण होता है उस तरीके की भाषा को बच्चे ग्रहण करना शुरू कर देते हैं नहीं यानी अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ कि जब बच्चे का जन्म हुआ यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया कब प्रारंभ हो जाएगी जब बच्चे का जन्म हुआ है तो जब जन्म होगा तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा फॉलो करेगा एल एस आर डब्ल्यू सिक्वेंस को या शुभो पली को हिंदी में यानी सबसे पहला बच्चा क्या करेगा जब वातावरण के साथ आया तो वह क्या करेगा अपने आसपास सो हो रही जो आवाज़ है उसको सुनेगा लिस्निंग करेगा उसके बाद स्पीकिंग वह कोशिश करेगा बोलने का लेकिन अगर जिन प्याजे के अनुसार आप बात करेंगे तो जिन प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चे में सबसे पहले क्या आती है थॉट आती है सबसे पहले वह सोचता है और उसके बाद भाषा का विकास होता है लेकिन सबसे पहले बच्चे ने सुना सुनने के बाद उसी तरीके से क्या क्या इमिटेट करके स्पीकिंग बोलने का शुरुआत किया उसके बाद वह रीडिंग पढ़ना स्टार्ट किया और लास्ट में राइटिंग लिखना देखिए सबसे आसान अगर इसमें कहा जाए तो वो सुनना है और सबसे अगर कठिन स्तर कहा जाए भाषा सीखने का तो वो कौन सा होगा राइटिंग या लिखना होता है जिसमें बच्चे को काफी मेहनत करनी पड़ती है अब यहाँ समझिएगा जब बच्चे जो होते हैं रिसेप्टिव यानी ग्रहण कौशल या ग्रहणात्मक कौशल जिसको कहते हैं तो कौन सी दो चीज़ इसको ग्रहण करता है इन करता है तो देखिए लिसनिंग और रीडिंग सुनना और पढ़ना बच्चे सुन के भी क्या करते हैं उस भाषा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और पढ़ के भी किसी चीज़ को रीडिंग करके भी अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो इसे हम ग्रहण कौशल या ग्रहणात्मक कौशल इंग्लिश में रिसेप्टिव स्किल्स के नाम से जानते हैं दूसरी बात यह जो होती है ना पैसिव स्किल्स होती है निष्क्रिय कौशल होता है निष्क्रिय माने क्या अच्छा सुनिए आप बच्चे को जब सुनना है तो क्या बच्चे का उसमें एक्टिविट एक्टिव होगा क्या वह सक्रिय होगा क्या उसके साथ जाके खेलना कूदना जिस तरीके से एक कार्य जो करता है क्या उसमें करेगा हाँ आवाज आ रही थी तो उसने सुन लिया नहीं या कोई भी चीज हो रहा था तो उसको ध्यान से उसने सुना तो यहाँ पे बच्चे निष्क्रिय कौशल होते हैं लेकिन जो आपका स्पीकिंग यानी बोलना और राइटिंग लिखना जो होता है प्रोडक्टिव स्किल होता है उत्पादन कौशल होता है जिसमें कुछ प्रोडक्ट आते हैं कुछ उत्पादन होते हैं कुछ बाहर निकलते हैं और जैसे स्पीकिंग बोलने में बाहर निकलता है राइटिंग लिखने में भी क्या होता है कुछ बाहर निकलता है इसीलिए इसे हम एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं सक्रिय कौशल भी हम लोग कहते हैं चूँकि इसमें हम लोग एक्टिव रहते हैं आइए देखते हैं भाषा विकास की अवस्थाएं देखिएगा तो भाषा विकास की अवस्थाएं जो होती है बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहले रो रोना शुरू करते हैं क्राइंग करना शुरू करते हैं क्योंकि वह माँ के गर्भ में जो आसानी से मिल रहा था उसे ऑक्सीजन या एयर तो वो जब जन्म लेने के बाद जब वातावरण के साथ आता है तो वो जब सांस लेने का प्रयास करता है तो वो कठिनाई होती है क्योंकि उसके सारे जो होते हैं अभी अभ्यस्त हो चुका था आसानी से मिल रही थी माश के गर्भ में तो वह रोना शुरू करता है सबसे पहले उसके बाद छह सप्ताह में बच्चा कुकना कूंग करना शुरू कर देता है जिसमें जनरली बच्चा स्वर वर्ण जो होते हैं ना अ आ, आ, सारा इसको बच्चा जो है से उच्चारण करना शुरू करता है लेकिन जब बच्चे छः महीना का हो जाता है तो बलबलाना बैबलिंग करना शुरू करता है और उसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाना भी सीख जाता है और उसके बाद 12 से 18 महीने में बच्चे एक शब्द अवस्था है जिसमें एक शब्द बच्चा बोलना शुरू कर देता है जैसे पापा मामा इस तरीके के शब्द होते हैं पा माँ करता है और दो शब्द अवस्था जो होता है डेढ़ से दो वर्ष में होता है और दो से छः वर्ष की जो इसमें जो होते हैं ना बच्चे नए शब्दों को भी फॉर्मेशन करना प्रारंभ कर देता है इसके बाद तो बच्चा काफ़ी तेजी से भी वर्ड बनाना शुरू कर देता है एक दिन में बच्चा पचास वर्ड तक सीख जाते हैं पूर्व स्कूल वर्ष जो होता है दो से छः वर्ष का नहीं ये स्कूल से पहले की अवस्था होती है चूंकि बच्चे छः वर्ष में आप जानते हैं कि जो पॉलिसी है छः से चौदह वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो अब बच्चा ये पूर्व स्कूल वर्ष दो से छ छः वर्ष के बाद बच्चा जाना शुरू करता है और इसी अवस्था की हम बात कर रहे थे अभी कि प्रतिदिन लगभग पचास शब्द सीखना प्रारंभ कर देता है क्यों क्योंकि इसमें बच्चा इस स्कूल से इसका दर्शन होता है वहाँ पे नए दोस्त बनते हैं उसके हम उम्र साथी होते हैं और आसपास भी जाना प्रारंभ कर देता है जिससे शब्दों का फॉर्मेशन काफी तेज गति से होना प्रारंभ हो जाता है तो ये देखिए भाषा विकास का सिद्धांत ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ध्यान दीजिएगा भाषा विकास के सिद्धांत के बारे में दो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे खास रूप से बी एफ देखिएगा और सिद्धांत इन्वयरमेंटल थ्योरी जो है आपका वो देने का काम किए थे बी एफ उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं वह वातावरण से भाषा को सीखते हैं जिस प्रकार का माहौल दिया जाता है जिस प्रकार का वातावरण दिया जाता है बच्चे को उसी प्रकार के भाषा को सीख जाता है मान लीजिए कि बच्चे को हिंदी का वातावरण मिलता है तो वह हिंदी सीख जाता है अंग्रेजी का वातावरण मिलता है तो अंग्रेजी सीख जाता है तो बी एफ स्किनर ने कहा कि बच्चे को जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उसी प्रकार का भाषा सीखता है और ध्यान रखिएगा कि बच्चे जो होते हैं वह भाषा विकास का एक क्रम का भी पालन करते हैं जैसे अगर बच्चे के सामने कुछ स्टमुलस रखा जाए उद्दीपक रखा जाए जा, और बच्चा उससे अगर क्या होते, होते है रेन्फोर्समेंट मिलता है पुनर्बलित होते हैं और उसका अभ्यास करता है प्रैक्टिस करता है तो बच्चे जो है भाषा को सीख जाते मान लीजिए कि बच्चे को एक स्टूमुलस मिला हिंदी का तो बच्चे ने क्या किया उसे पुनर्बलन किया यानी उसके प्रति एक तीव्र इच्छा जगी और उसको बार बार क्या किया उन्होंने अभ्यास किया और जिसके माध्यम से बच्चे भाषा सीख जाते हैं तो बी एफ स्किनर ने कहा बच्चे के जीवन में वातावरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिस प्रकार के भाषाई परिवेश उसको प्रदान किया जाता है उसी प्रकार के भाषा को वो सीख जाते हैं लेकिन अगर हम जन्मजात सिद्धांत इनबॉर्न थ्योरी की बात करें तो नोम चोमस्की ने दिया उन्होंने क्या कहा कहा कि बच्चे में जो भाषा सीखने की एक, एक एबिलिटी होती है एक शक्ति होती है एक क्षमता होती है वो जन्मजात होती है बच्चा जन्म से ही एक यंत्र के साथ जन्म लेता है और वह जन्म जो लेता है वह यंत्र का नाम है लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है और इसी के माध्यम से बच्चे को जिस प्रकार के परिवेश में रखते हैं इसी के माध्यम से उस भाषा को वह सीख जाता है यानी ध्यान दीजिएगा तो भाषा विकास के सिद्धांत में बी एफ ने कहा कि वातावरण का एक अहम भूमिका होती है लेकिन हमारे चोमस्की महोदय ने कहा कि बच्चे के भाषा विकास में जो होती है वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है उसके वंशानुक्रम का होता है नहीं तो आज बस इतना ही आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके मन में किसी भी प्रकार के विचार हैं आपके मन में किसी भी प्रकार की जानकारी है और बाल विकास के बारे में अगर अच्छा खासा नॉलेज है आपको तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें या, या क्या बाद में फिर बताते हैं उसको अगले वीडियो में तो बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ एक नया चैप्टर जो जानेंगे अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग जय हिंद जय भारत